माइक्रो फाइनेंस संघ से परेशान खवातीन के लिए गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट अलंद तालुका केजीएन फंक्शन हॉल में अलंद के युवा नेता वार्ड नंबर 13 के कॉरपोरेटर फिरदौस अंसारी की लीडरशिप में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें गुलबर्गा से महिला सुरक्षा समिति के जिम्मेदार वसीम शेख, सिराज शाब्दी, खालिद अबरार, अजहर मुबारक के अलावा नईम शेख, मोहम्मद गौस और दीगर कई जिम्मेदार शिरकत किए थे। और अलंद से इस मीटिंग में वार्ड नंबर 13 के कॉरपोरेटर फिरदौस अंसारी के साथ वार्ड नंबर 23 के कॉरपोरेटर संजू नायक, वार्ड नंबर 1 के कॉरपोरेटर अब्दुल माजिद, एडवोकेट दिलीप शिवसागर, जहीर अंसारी, मकसूद अंसारी, कारोबारी धीरज अंसारी, मोहसिन गुत्तेदार, शफी अंसारी और अहमद अंसारी के अलावा दीगर कई लोग यहां शिरकत किए थे। इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने का मकसद अलंद से लगातार शिकायतें आ रही थी कि यहां संघ के रिकवरी एजेंट इंस्टॉलमेंट के लिए महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। इन महिलाओं को कमीशन की लालच में रिकवरी एजेंट जरूरत से ज्यादा लोन दिए हैं और जब कोई महिला इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सकती तो उनके साथ जोर जबरदस्ती की जा रही है। इन माइक्रो फाइनेंस वालों की गुंडागर्दी की वजह से कई महिलाएं अपना घर छोड़कर भाग गई हैं तो कई महिलाएं अपनी जान देने पर मजबूर हुई हैं। और अलंद से भी ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जिसमें महिलाओं पर हद से ज्यादा जुल्म किया गया है। इन सभी महिलाओं की परेशानियों को देखकर ही ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें फिरदौस अंसारी ने माइक्रो फाइनेंस यानी संघ के तमाम जिम्मेदारों को भी इन्वाइट किया था। 17 से 18 माइक्रो फाइनेंस के जिम्मेदार इस मीटिंग में आने का वादा किए थे, पर सिर्फ एक ही संघ के मैनेजर इस मीटिंग में आए थे, बाकी सब डर कर इस मीटिंग में आने से इनकार कर दिया है। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि तमाम महिलाओं के सामने आते ही सभी माइक्रो फाइनेंस वालों की पोल खुल जाएगी। ये लोग इंस्टॉलमेंट रिकवर करने के आड़ में महिलाओं पर हद से ज्यादा जुल्म कर रहे थे, जिसको आप इस वीडियो में महिलाओं की जुबानी सुन सकते हैं। कई घरों पर ताला डालकर इन्हें परेशान किया गया है तो कहीं घर का सामान बेचकर इनसे इंस्टॉलमेंट वसूल किया गया है। ऐसे हजारों केस सिर्फ अलंद में देखे गए हैं, जहां महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती कर इनके साथ बदसलूकी की गई है। और साथ ही यहां महिलाओं को डराया जा रहा है कि अगर पैसा नहीं दिया जाएगा तो उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल भी झूठ है। महिलाओं को इसे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। इस मौके पर आए एक संघ के मैनेजर ने भी अपनी किताबी रूल्स रेगुलेशंस बताए, पर यहां बैठी महिलाओं ने कहा इनके रिकवरी एजेंट के घरों पर आकर गलत बर्ताव करते हैं, जो इनके किताबी रूल्स रेगुलेशंस के भी खिलाफ है। और सिर्फ कर्नाटका की अगर हम बात करें तो यहाँ ऑलरेडी कानून बनाया गया है, जिसमें कर्नाटका मनी लेंडर राइट सेक्शन 38 और कर्नाटका प्रोहिबिशन ऑफ चार्जिंग एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट एक्ट सेक्शन 4 के तहत अगर कोई भी बैंक माइक्रो फाइनेंस के जरिए लोन देकर रिपेमेंट के नाम पर किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती करता है तो उसको 6 महीने से 3 साल की सजा और 30,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन अफसोस, इतना सख्त कानून होने के बावजूद पुलिस में कंप्लेंट देने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इस मीटिंग के जरिए महिलाओं को पूरी तरह से सपोर्ट देते हुए कहा गया कि अगर आज के बाद कोई भी माइक्रो फाइनेंस के रिकवरी एजेंट्स महिलाओं को परेशान करते हैं तो पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई जाएगी, और अगर पुलिस कंप्लेंट लेने से इनकार करती है तो हायर ऑफिसर से शिकायत कर एक्शन लिया जाएगा। इस मीटिंग के जरिए फिरदौस अंसारी, वसीम शेख, सिराज शाब्दी, खालिद अबरार और दीगर लोगों के अलावा सभी महिलाओं ने क्या कहा, जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मेरे घर पे ताला डाल के गए, बच्ची की शादी है घर में, पूरा ताला डाल को निकाल के चले गए, बच्चा बीमार, बाहर आंगन में लगा फेको ताला के डाल गई बैठे ताले, और नवन पवन सब कन्नड़ में गाले देखो गई, इनो दिए इनके साथ 4-5-10-12 जनिया थे, लेडीज भी थी, पूछो 6 जनी लेडीज थे, घर में घुस के बाहर निकाल को ताला डाले। इस बंदना का भी पूरा क्लियर है, अभी सर बोलता लॉकडाउन में नहीं, अभी हाइज बोल रहा है, पूरा लिखे हुआ है तेरा हाथ का, बोले तो हम नहीं मानते, तुम नहीं भरने गए बोलता, मेरे को भरना नहीं होता, ये संघ की वजह से मेरा आदमी घर छोड़ के चले गया, मेरे 3 बच्चे हैं, घर नहीं, कुछ नहीं, किराए का घर है मेरा, 3 महीने से मैं घर का भाड़ा नहीं दे सकी, मैं मेरे को परेशान कर रहे हैं घर पे आके, 8 दिन के लिए जाले घर को, घर के बाहर आती हूँ बेटी के लिए क्या रहना, संघ वाले लीडर ने महादेवी मैडम सर गोलो नमगा कटले बेकंत सिंगा रात्रि 8-9 ಅಂತ ಅಲ್ಲಗತ್ತರೆ ಹಾ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇಷ್ಟ ದಿವಸ ಕಟ್ಟಿದೇವ್ರಿ, ಬಡ್ಡಿಲಿ ಕಟ್ ಅಂತಾರ, ಎಲ್ಲಿವರೆ ತಂದು ಕಟ್ರಿ ಅಂತಾರ, ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ ನಮ್ಗ, ಹಾ ಈಗ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಕಟ್ಟದಾಗಲ್ರಿ, ಇಷ್ಟ ದಿವಸ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ, ಈಗ ಕಟ್ಟದಾಗಲ್ರಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಸಿ ಕಟ್ಟಿದೇವ್ರಿ, ಈಗ ನಮ್ ಜೀವ ಹೊಡೆದ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಾಗಲ್ಲ, और वो सारा लेके जाके खाई, हमारा बैंक ले गए, हमारा बाप ये बता रहा, लॉकडाउन में गए थे हम, सब जन्म करते हम मरे, मतलब आप ही हमारा भी बता रहा, सारा लेके जाके खाई हाई उन यहाँ आई चबी हो मैडम, हम सो हैं यहाँ, 4 जन आके घर में सो गए थे, कहाँ से भी लाना भरना, हमें इतने दिन से लोन लिए से मगर लेके भरते गए, हमें भरते गए मगर आप हमारे बच्चा की जरा कामा की परेशानी है ऐसे, इसलिए हम नहीं भरते, बोले तो ना टॉर्चर करते सर, कब भी फोन करते हो ना हमारे को, ये तकलीफ है हमारे को, अभी तक भरते चाहिए, हमें ईमानदारी भरना है, हम ली हम भरते मगर तकलीफ करे तो नहीं भरते, हम जो वो ना लोन दिला दिए वो मैरिज ग्रुप में है,
अब वो घर बेच के चले गए खर्चा करके। तो अब वो रोज सर आ रही मेरे घर पे आ रही, तुम बिटाई तुम भरो, तुम बिटाई तुम भरो, तो मैं बेवा भाई को कहाँ से भरूंगी? ये बेचारे घर का पेपर ये वो कुछ भी करके दिए चले गए वो छह बच्चे लेको। अब मेरे को भरो वो लेडर नहीं, तुम भरो भरो तो मैं कैसा भरू बताओ? अभी भरोज बोलती हूँ, रोज आ रहे अभी भी फोन आ रहे हैं, कैसा नहीं भरते देखेंगे, खींच को लग जाएंगे, ऐसा करेंगे, लेडीज पुलिस लेंगे। अब तक क्या हो रहा था, हम लोग ये मुहिम शुरू करने से पहले औरतों की कोई सुनने वाला नहीं था। कंफ्यूजन क्या हो रहा था, लोगों को क्या बोल रहे थे, लिए अम्मा भरना ना, तुम क्या भी करके भरो, हमको हम भी क्या कर सकते हैं, आए तो तुम लिए ना भरना ना। लेकिन रिकवरी जो एम्प्लॉयज है इनके, वो घरों पे आ रहे औरतों के, फिरोज भाई घरों पे आ रहे, आगे क्या करें मालूम है? अगर एक दिन की भी मोहलत नहीं मिल रही औरतों को, एक दिन की भी औरतों को मोहलत नहीं मिल रही थी, और ये लोगों का क्या बोलना था, आज अगर पेमेंट नहीं भरे तो तुम क्या भी करो लाके भरो, कहीं से चक्कर बड्डी से कर्जा लेके लाके भरो, पड़ोसियों से उधार लेके लाके भरो, कहीं से दीगर कहीं से भीख मांग के लाके भरो, या नहीं बोले तो जो है ना मर जाओ, मरने के बाद आपका इंश्योरेंस का पैसा हम वसूल करते, माफ तो होने वाला नहीं है, क्या भी करके लाके भरना। अगर ये हरासमेंट किसके किसके साथ हो रहा है, हाथ उठाओ। मैं बोलू ना वही, और एक चीज ये बोलिए, यहाँ पर ऐसे कितने औरतों को ये बोला गया कि अगर नहीं भर सकते तो हमारे साथ गाड़िया में बैठ के चलो बोलकर। इस तरह से फेक आधार कार्ड बना के लोन दे रहे संघ, सुनिए ये मेरे पास प्रूफ है, आप देखिए, आप एक ही औरत के नाम से दो आधार कार्ड हैं। ये गुलबर्गा में हम लोग स्कैम पकड़े हैं, यहाँ पर भी हो रहा होगा शायद, अगर किसी का फेक आधार कार्ड बने तो हाथ उठाइए। हाँ, डुप्लीकेट आधार कार्ड बने ना आप लोगों के, आधार कार्ड डुप्लीकेट बनाना भी एक क्राइम है सर। ये देखो नवा चेतन का जो ये लोन है, यहाँ पे भाई को शौहर बना के लोन लिए, दूसरों के सिग्नेचर करके कौन कौन लिया, हाथ उठाओ। एक्चुअली हम यहाँ पे बुलाए थे पूरे 17 से 18 माइक्रो फाइनेंस और बैंक के मैनेजर्स को यहाँ पर बुलाया गया था, लेकिन आए सिर्फ एक। आपके घरों को आकर गुंडागर्दी करने आता है, यहाँ से हमसे बात करने नहीं आता, उनको हिम्मत नहीं आने की। ये सर आए हुए हैं, ये आए, इनसे हम बात करेंगे, इनके रेस्पेक्ट भी करेंगे, इनसे सवाल भी पूछेंगे और उनसे जवाब भी हासिल करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे फिरदौस भाई को मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने तमाम खवातीन को जमा कर यहाँ पर इस इश्यू को हल करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, खवातीन हमारी माँ बहन है, हर किसी की सिमिलर एक सा शिकायतें हैं यहाँ पे, चाहे गुलबर्गा रहेंदे, अलंद रहेंदे, शाहपुर रहेंदे, यादगीर रहेंदे, बीदर रहेंदे, बीजापुर रहेंदे, रायचूर रहेंदे, हर जगह से हमको कॉल सारे, सबकी एक ही शिकायत है कि यहाँ पर जबरदस्ती लोन दिया गया है। जबरदस्ती मतलब क्या है, लोन जब बैंकों से मिलता मर्दों को, अगर हम लोन लेने जाएंगे ना तो हमको बैंक में बुलाते, बैंक में बुला के हजार तरीके के सवाल पूछते, तुम काम क्या करते, तुम वापस नहीं दिए तो दूसरा क्या, श्योरिटी क्या है तुम्हारी, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, हजार सवाल होते। औरतों को जब लोन देना है ना, इनके रिकवरी एम्प्लॉयज जो है आपके घरों को आते हैं, लोन है तरकारी भाजी जैसा गोश्त खरीदने आप जाते ना, उस तरह से घरों पे आकर लोन दिया जा रहा। तो यहाँ पर आप लोगों के साथ तमाम चीजें जो होगी सबकी शिकायतें हमारे को मालूम है, और ये जो टाला डाले बोल रहे घरों को या आपके पास आके गाली गलौज कर रहे, उसके लिए जो है ना कर्नाटका में ऑलरेडी कानून बने हुए हैं। आप लोगों को क्या है मालूम है, ये रहता कि अब हम लोन लिए भरना है, इनकी गाली भी सुनना है, इनकी डांट भी सुनना है, एक औरत को मारे भी, यहाँ पे अभी बोले मार भी खाना है, ऐसा नहीं है, इनके खिलाफ भी कानून है यहाँ पर, कर्नाटका मनी लेंडर एक्ट के तहत जो है ना सेक्शन 38 है, 6 महीने की सजा, ₹5,000 जुर्माना है अगर आपको कोई गाली भी देता है तो, 6 महीने की सजा, ₹5,000 जुर्माना है। और एक कर्नाटका प्रोहिबिशन ऑफ चार्जिंग एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट एक्ट के तहत जो है ना सेक्शन 4 में 3 साल की सजा, ₹30,000 जुर्माना है। अगर कोई आकर रिकवरी एम्प्लॉयज हो, बैंक का कोई भी एक्स वाई जेड बंदा हो, रिकवरी पैसा लो जो लोन दिए ना वो वसूल करने के लिए आके आपके साथ अगर कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल भी करते, मारना घरों में घुसना तो दूर की बात है, गलत अल्फाज भी अगर इस्तेमाल करते औरतों के साथ, तो उनको जो है ना 3 साल की तक सजा हो सकती है अगर आप केस करें तो। यही हमारी कमजोरी है कि आप पुलिस स्टेशन तक नहीं जाते, नहीं हो रहा, आपको टॉर्चर कर रहे तो उसकी जरूरत नहीं। और आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपके माध्यम से पूरे संघ वाले को बोल रहा हूँ, कल से कोई जेंट्स हमारे औरतों के घर को जाएगा, भरना है उनको मौका दो, आज नहीं भरे 8 दिन का टाइम, उन्हें कब बोलते उस टाइम से डायरेक्ट कांटेक्ट करो उनको, लेडीज को भेजो, लेडीज से महीने में नहीं भरा तो उसको जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट महीने भी नहीं भरा तो भी जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर तुम्हारे को नहीं समझ में आ रहा ये लड़की औरत नहीं दे सकती तो तुम्हारे कोर्ट में जो, ठीक है सर।
उनको गाली देना, लड़ना, बाला खींचना, लात करना, बाहर निकलना। आधार कार्ड को भी लेके कुछ इश्यूज है, अगर आप पैसा सही नहीं भरेंगे तो आपका आधार कार्ड ब्लॉक हो सकता है। ऐसा नहीं होता, नहीं होता। सरकार ने ऑर्डर लगाया है यहाँ पे। अभी जो आपको बात बताई गई है, अगर आप थोड़ा थोड़ा करके अगर पैसा भरना चाह रहे हैं, उसको क्लियर करना चाह रहे हैं तो भरिए। अगर किसी के पास गुंजाइश नहीं है पैसे भरने की, हद से ज्यादा हो रहा क्या? एक मिनट सुनिए, सुनिए, सुनिए। गुंजाइश अगर किसी के पास नहीं है तो आप क्लियर कट आप ये बात बोलिए कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं भर सकते। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको आगे अगर कोई हरासमेंट कर रहे, कोई डरा रहे, धमका रहे, अगर आपको गाली गलौज कर रहे या जबरदस्ती कैसा नहीं देते देना पड़ता बोल के अगर आपको कोई गलत बात कर रहे, तो आप पूरे मिलके पुलिस स्टेशन में जाके उनके खिलाफ केस दर्ज करिए। केस दर्ज करने के लिए उनका संघ का नाम, वो जो आके आपके हरासमेंट कर रहे हैं उनका नाम, सब आपको नाम मालूम रहना और उनका मोबाइल नंबर मालूम रहना। पैसे दिए तो क्या करेंगे? एक औरत का जवाब था उमरा करने गए, लोग उमरा बोल रहे, नियाजा बोल रहे, ये सब क्या क्या कर रहे हैं? ये पैसों से ये सब चीजें नहीं होते, ये सब चीजों से नहीं कर सकते आप, तो ये सब चीजों से थोड़ा दूर हो जाओ और ये पैसे को ये ना अवॉइड ही करें तो बेहतर है। आप लोग ये बोलते सिर्फ हिम्मत हुई ना आप लोगों के घर तक आकर आपके साथ जबरदस्ती करने की, गाड़ी क्रॉस करने को। और खास तौर पे मैं फिरदौस अंसारी साहब का भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये महफिल जमाए जहाँ पर हम एक दूसरे की गुफ्तगु सुने, और साथ ही साथ धर्मस्थला सर जो मैनेजर है यहाँ पर है, मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। तमाम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के मैनेजर्स, रिकवरी ऑफिसर डर गए यहाँ आने, मगर इन्होंने हिम्मत करें, इनकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, देखिए मैं सिर्फ मेरी बहनों को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराता, मैं ठहराता हूँ यहाँ की प्रशासन को, यहाँ की गवर्नमेंट को भी मैं ठहराता हूँ। संघ में जो पैसे लेते हैं, बेटी की डिलीवरी, शोहर एडमिट है, किडनी खराब हुए, हॉस्पिटल के इश्यू को लेकर लेते, अगर यहाँ की हुकूमत गवर्नमेंट हॉस्पिटल को अच्छा करती, सारे डॉक्टर्स रहते, सारे मशीन रहते, हर चीज रहते, जहां पर एक गरीब को प्राइवेट हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो कोई माँ बहन संघ में नहीं बैठती थी। देखिए पैसे भरना नहीं भरना वो सिविल मैटर है, मगर जो घर के बाहर आना, चार लोगों को लेकर आना और घर के अंदर बैठना, आपको जोर जबरदस्ती करना, ये क्रिमिनल ऑफेंस है ये, और उसके लिए जरूरी है पुलिस प्रशासन को इस पे एक्शन लेना। और मैं देखा वसीम कि यहाँ पर अलन का जो पुलिस प्रशासन है वो एक्टिवली इस पे काम नहीं कर रहा है। इस पे जब औरतें जाते हैं तो औरतों को बेइज्जत करके ये लोग भेजे सो है ये लोग। इसके लिए हम हमारी तरफ से, हम तमाम यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, हम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP को जाकर पर्सनली हम लोग मिलकर उनको एक लेटर देंगे कि अलन में फलाना ऐसा ऐसा माहौल चल रहा, कि आप अपने सर्कल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म कर जो भी महिला कंप्लेन करने आएंगी रिकवरी ऑफिसर के खिलाफ या ग्रुप लीडर के खिलाफ, तो उनके ऊपर एक्शन लेना। ये इंशाल्लाह हम लोग आपके लिए कर देंगे। ये जो मूवमेंट करें, ये सिर्फ आपको आपके बच्चों से अलग नहीं होना, आपके बच्चे यतीम नहीं होना, कोई गैर जरूरी कदम नहीं उठाना, इसलिए ये प्रोग्राम रखा गया है। आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, मेयर को फिरदौस अंसारी साहब पे पूरा भरोसा है, जो इनिशिएट लेकर उन्होंने आए और यहाँ के कुछ जिम्मेदार जो इनिशिएट लेकर आए, इंशाल्लाह ये लोग आपके साथ है और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से हम लोग साथ में है। ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ನನಗಿಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಿ, ನನಗಿಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಏನು ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ವಾರ ಸಭೆ ಆಗ್ತದೆ, ವಾರ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಯಾರು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋತಾರೆ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನಿರ್ಗತಿಕರಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿರ್ಗತಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಊಟಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯ ವೇತನವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಸಾಲ ಪಡೆದಂತವ್ರು ಗಾಬರಿ ಆಗುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ನೀವೇನು ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿರಿ, ಕಿರು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಾಬರಿ ಪಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಟ್ಟುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಕೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು
ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಬಂದಾಗಲ್ಲ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಂದ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಭಯ ಪಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.